आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर फीलिंग गुड एंड सेफ एट योर होम। आई एम योर क्लास टीचर। दिस वीडियो इज़ फॉर द क्लास प्ले। दिस वीडियो इज़ मेकिंग द पर्पज टू फुलफिल योर प्रीवियस वीकली वोकेशनल टास्क। डियर स्टूडेंट्स, बाई वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ईजिली डन योर होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल open your english pre level 1 english book pre level 1 and then open the page number 16 and 17 page number 17 page number 17 say trace and color say the word o and say ox and then trace the word o and then color the ox and then move the next page number 18 now I am going to learn about the action words writing and reading jab aap kuch likh rahe hote hain to wo kya hai action word writing then aap kuch padh rahe hote hain to wo kya hai reading next hai tick the boy who is writing is pe boy ko tick kare jo ke reading kar raha hai ya writing kar raha hai ye reading kar raha hai writing kar raha hai to aap isko tick karenge ये रीडिंग कर रहा है और ये राइटिंग कर रहा है जो राइटिंग कर रहा है आपने उस बॉय को टिक करना है देन नेक्स्ट पेज लेट्स कलर कलर द लेमन लेमन में हम कलर करेंगे लेमन में कौन सा कलर करते हैं येलो कलर लेमन में येलो कलर करेंगे और देन हम जो उसके लीवर्स में ग्रीन कलर करेंगे लेमन में कलर करना है येलो और लीव में कलर करना है ग्रीन देन मूव द नेक्स्ट पेज पेज नंबर 20 लेट्स लर्न द ट्रेसिंग हमने ट्रेसिंग सीखनी है ये होस्ट बना हुआ है जिसमें आप देखें कुछ जो है कंप्लीट है कुछ अनकंप्लीट है जो अनकंप्लीट है उसको आपने ऐसे पेंसिल की मदद से ट्रेस करके तो इसको कंप्लीट करना है ये हाउस जो है आपने कंप्लीट करना है इसको ट्रेस करते हुए अनकंप्लीट हाउस को ट्रेसिंग करके कंप्लीट करना है देन मूव द नेक्स्ट पेज 21 पेज लुक एंड से लुक ये वर्ड है एल एल से क्या होगा एल फॉर लेडी बर्ड एल फॉर लेमन एल एल फॉर लेडी बर्ड एल फॉर लेमन देन मूव द नेक्स्ट पेज से एंड ट्रेस आपने इसको बोलना है एल इसको देन ट्रेस करना है सारे एल को ट्रेस करना है एल फॉर लैब फिर इसको बोलना है और याद करना है ट्रेस करना है ताकि आपको लिखना आए से ट्रेस एंड कलर एल को से बोलना है ट्रेस करना है सारे को जितना है इसको पेंसिल की हेल्प से ट्रेस करना है देन एल फॉर लीव इसमें आपने कलर करना है और लीव में कौन सा कलर होता है ग्रीन कलर इसमें आपने ग्रीन कलर करना है एंड नेक्स्ट था पेज नंबर 24 रिइंफोर्समेंट मैच द सेम साउंड्स इसमें कौन सी साउंड सेम है इनको आपस में मैच करना है सी सी ओ ओ एल एल इनको आपस में मैच करना है ऐसे मैच करना है सबको ठीक है से एंड ट्रेस पढ़ना है सी ओ एल एंड देन इसको ट्रेस करना है देन मूव द नेक्स्ट पेज 25 सर्कल द डॉग हु इज स्टैंडिंग इनमें से जोन सा डॉग जो है वो खड़ा है ना स्टैंडिंग उसको आपने सर्कल करना है ये वाला है या ये वाला इसको आपने ध्यान से देखना है जोन सा खड़ा है उसको आपने सर्कल करना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन कलर द बॉय हु इज रीडिंग इन ये दो बॉयज हैं एक रीडिंग कर रहा है और एक राइटिंग कर रहा है इसमें से जो रीडिंग कर रहा है आपने उसको जो है ना कलर करना है डिफरेंट कलर को यूज करते हुए आपने जो बॉय रीडिंग कर रहा है उसको कलर करना है ओके फाइन योर इंग्लिश वर्क इज कंप्लीट नो नेक्स्ट टर्न इज मैथ नो ओपन योर मैथ बुक एंड देन पेज नंबर 13 काउंट ट्रेस एंड कलर काउंट करें कितने नंबर है वन वन बलून देन कलर द बलून एंड ट्रेस नंबर वन आपने वन को ट्रेस करना है देन इसको पढ़ना है वन है और कितने बलून है वन एंड देन बलून को कलर करना है मूव ऑन योर नेक्स्ट पेज दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इस पेज से आपने बताना है बिग एंड स्मॉल कि स्मॉल कौन सा है और बिग कौन सा है
स्मॉल जो छोटा, बिग बड़ा, दिस इज अ बिग केक, ये बड़ा केक है, दिस इज अ स्मॉल केक, ये स्मॉल केक है. नेक्स्ट पेज, टिक द बिगर ऑब्जेक्ट, दिस आर टू बलून्स, आपने इनमें से बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है. लाइक जस्ट बड़े को आपने बताना है, जो बड़ा है उसमें आपने टिक करना है कि ये वाला बलून बड़ा है और ये वाला लट्टू बड़ा है. कलर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, इसमें ये है कि ये एप्पल बिग एप्पल है एंड स्मॉल एप्पल है, इसमें जो स्मॉलर है उसमें आपने कलर करना है, बिग वाले में नहीं करना. तो ये स्मॉल वाला एप्पल है, इसमें आपने कलर करना है. ऐसे ये फ्लावर है, ये बिग फ्लावर है, इसमें आपने कलर नहीं करना. और ये जो स्मॉल फ्लावर है इसमें आपने जो है ना कलर करना है. नेक्स्ट मूव ऑन, लेट्स लर्न द ट्रेसिंग. इसमें हम ट्रेसिंग सीखेंगे कि ट्रेसिंग कैसे करनी है. यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ, और ऐसे ये तीनों लाइंस जो है ना कर्व्स ट्रेस करनी है कि यहाँ कैरेट तक आए. सेम ऐसे ही कैट से फिश तक जो है ना आपने ऐसे ट्रेसिंग करनी है पेंसिल के साथ सिंपली, और नीटली आपने इसको जो है ना ट्रेस करना है. देन लुक एंड काउंट, लुक एट दिस, ये क्या है, टू फिंगर्स हैं. तो ये क्या, टू, टू फिंगर्स, टू, वन एंड टू, टू काइट्स, वन एंड टू, वन गर्ल एंड वन बॉय, टू वन रैबिट, टू रैबिट, टू रैबिट्स, टू बेबीज, टू कैट्स, टू फिंगर्स एंड देन वर्ड द टू. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, काउंट एंड ट्रेस. आपने इसको काउंट करना है, वन टू, टू रैबिट्स, वन टू, टू रैबिट्स एंड देन ट्रेस टू. ये सारे टू को आपने ट्रेस करना है ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए. एंड नेक्स्ट पेज, काउंट ट्रेस एंड कलर. इसमें आपने काउंट करना है और ट्रेस करना है. इसमें आपने काउंट करना है वन एंड टू, टू कैरेट्स, देन इसमें कलर करना है, कैरेट में रेड जो कलर होता है वो कलर करना है, देन काउंट करना है टू, फिर इसको सारे को ट्रेस करना है, फुली इसको ट्रेस करना है. मूव ऑन नेक्स्ट पेज, लेट्स लर्न द कलर. नो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कलर्स. द फर्स्ट कलर इज हेयर द ब्लू कलर. ब्लू इज ओशन, ब्लू इज द स्काई, ब्लू आर द ब्लैरीज आई पुट इन टू पी. ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर. आपने इसको ध्यान से देखना है और लर्न करना है कि ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है. लेट्स कलर, अभी आपने लर्न किया कि कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है. तो आगे है, आपने फिश में कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर, द ब्लू थिंग्स. इन दोनों में आपने कौन सा कलर करना है, जो आपने पीछे सीखा है, ये कौन सा कलर है, ब्लू. तो इन दोनों में हम ब्लू कलर करेंगे, शर्ट में भी और फिश में भी ब्लू कलर करेंगे. एंड देन नेक्स्ट पेज, लेट्स डू आर्ट वर्क. हम कुछ आर्ट वर्क करते हैं यहाँ पे. मेक अ ब्लू कलर स्नेल विद ऑनियन पेंटिंग. इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ ऑनियन, लिटल ऑनियन एंड पील. आप एक छोटा सा प्याज लेके उसको पील करके कलर लें, कलर में उसको थोड़ा सा डिप करके, तो यहाँ पे आप उसको जो है ना टैप करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जो है ना एक कंप्लीट जो है ना स्नेल बन जाएगी. ये हमारा आर्ट वर्क है, मस्त आपने इसको करना है और नीटली इसको आपने करना है. ठीक हो गया. नेक्स्ट है, लेट्स लर्न द शेप्स. अब हम शेप के बारे में सीखेंगे. शेप्स क्या है, ये कौन सी शेप है, सर्कल. सर्कल, अ सर्कल इज लाइक अ बॉल, अ सर्कल इज लाइक अ बॉल, राउंड एंड राउंड, इट नेवर स्टॉप, अ सर्कल इज लाइक अ बॉल. ये एक बॉल है, बॉल की तरह जो सर्कल होता है वो क्या, कैसा होता है, बॉल की तरह होता है, गोल गोल होता है और वो बॉल की तरह होता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे हम पिज्जा खाते हैं तो वो सर्कल होता है, बॉल की तरह गोल गोल. सेम लाइक जैसे बटन्स होते हैं आपके यूनिफॉर्म को, टी शर्ट को जो बटन्स लगे होते हैं वो राउंड राउंड होते हैं, गोल गोल, वो क्या होता है, सर्कल होता है. क्लॉक होता है, राउंड होता है, वो भी सर्कल होता है. एंड देन नेक्स्ट पेज, अगेन वी कैन डू सम आर्ट वर्क. लेट्स डू आर्ट वर्क. इसमें क्या करना है, ट्रेस द सर्कल एंड स्टिक कॉटन ऑन द स्नोमैन. आपने कॉटन लेनी है, रुई जो होती है उसको गम के साथ लगा के, तो इस सारे सर्कल में जो है ना आपने स्टिक कर देना है, चिपका देना है. तो आपने इस तरह इस स्नोमैन को जो है ना वो कंप्लीट करना है. कॉटन लेके उसको गम के साथ लगा के इस सर्कल में चिपका के, तो ये स्नोमैन है, इसको आपने कंप्लीट करना है. इस तरह आपने ये अपना आर्ट वर्क जो है उसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पेज, लेट्स लर्न ट्रेसिंग.
इसमें भी आपने ट्रेसिंग सीखनी है। ट्रेसिंग ये ऑलरेडी सारा बना हुआ है, फिश कम्प्लीटली नहीं है, इसके अंदर ये थ्री जो है ना ट्रेसिंग के लिए लाइंस है, आपने इसको ऐसे फॉलो करते हुए इसको ट्रेस करना है। नो कम्प्लीट योर मैथ्स होमवर्क एंड नेक्स्ट टर्न इज उर्दू। नो ओपन योर उर्दू बुक, ओपन योर उर्दू बुक एंड पेज नंबर 14, उर्दू की किताब अपनी खोलें और पेज नंबर सफा नंबर 14 पे आ जाएं। इसके सबसे पहले है बे, बे से बिल्ली, बे से बंदर। पढ़िए, क्या पढ़ना है? बे, बे से बिल्ली, बे से बंदर। एंड देन पढ़िए और पेंसिल फेरिए। पहले पढ़ेंगे हम बे, बे से बकरी, बे से बकरी, फिर हम इस पे पेंसिल फेरेंगे, इसको पेंसिल फेरेंगे ताकि आपको बे जो है वो लिखना आ जाए, और आपने नीटली जो है ना सफाई के साथ इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। अगले पेज पे आ जाए, आगे फिर से पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। बे से बाल्टी, बे से बाल्टी, बे से बाल्टी, देन आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है और नीटली फेरनी है ताकि आपको बे लिखना आ जाए। हर्फ को तस्वीर से मिलाएं, ये अलिफ से अनार, बे से बकरी, अलिफ से अनार, अलिफ को अनार से मैच करेंगे, मिलाएंगे, और बे को बकरी से मिलाएंगे। अगले पेज पे आ जाए, सही तस्वीर पर दायरा लगाएं। अब अलिफ से अनार होता है, अलिफ से अनार है तो हम अनार के ऊपर दायरा लगाएंगे, बे से बकरी तो हम बकरी के ऊपर दायरा लगाएंगे ऐसे गोल गोल, अलिफ से अनार, बे से बकरी, ऐसे आपने दोनों पे दायरा लगा के तो इस पेज को कंप्लीट करना है। आगे रंगों का तारफ, तो रंगों के तारफ में सबसे पहला रंग जो है यहाँ पे कौन सा रंग है? नीला रंग। नीले रंग में नीला गुब्बारा, डॉल्फिन, टोपी, आपने गौर से ध्यान से इस रंग को देखना है, ये कौन सा रंग है और इसको याद करना है, नीला रंग। अगले पेज पे आ जाए, रंगों के पहचान, जैसे हमने इसमें ये देखे नीला रंग पड़ा है ना, कौन सा रंग पड़ा है? नीला रंग। तो अब हम इसमें रंग की पहचान करेंगे कि नीला रंग कहाँ कहाँ पे है। ये देखें, इसके निकर, बॉल, शर्ट, बाल्टी, ये दरिया है, ये सारा जो है ना नीला है। आपने इसमें पहचान करनी है कि नीली कौन कौन सी चीज है। आगे रंग भरिए, अब ये बॉल है और शर्ट है, इसमें आपने नीला रंग भरना है ताकि आपको नीला रंग अच्छे से याद हो जाए। ऊपर और नीचे, अब ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर जो चीज है, ये दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, ये ऊपर है, और नीचे लोमड़ी खड़ी है, जो ये नीचे है और ये ऊपर है, इसको आपने अच्छे से देखना है ध्यान से, ऊपर चिड़िया है और नीचे लोमड़ी है। तस्वीर में नीचे अशिया पर दायरा लगाए, उन्होंने बोला है कि नीचे जो अशिया है ना उनके ऊपर जिस दायरा लगाना, जो ऊपर है उनके ऊपर नहीं। नीचे अब कौन सा है? एक बच्चे हैं, चार बच्चे हैं और एक कुत्ता है नीचे, इनके ऊपर आपने दायरा लगाना है। जितनी भी चीजें नीचे हैं इनके ऊपर दायरा लगाना है, ये जो ऊपर चीजें हैं इनके ऊपर नहीं लगाना। रंग भरिए, जग में रंग भरिए। अब आपने नीला रंग सीखा था, उसको यूज करते हुए आप इस जग को जो है ना साफ सही से रंग जो है ना आपने इसको करना है। नेक्स्ट स्टेप, पेंसिल फेरिए। इस पे आपने पेंसिल फेरनी है और बिल्कुल नीटली पेंसिल फेरनी है ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। बुक्स को गंदा बिल्कुल भी नहीं करना और नीटली नीटली इस काम को जो है ना वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज है जीम। पढ़िए, जीम, जीम से जाला, जीम से जग, जीम से जाला, जीम से जग। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। जीम से जंगल, अब आपने इसको पढ़ना है, जीम से जंगल और जीम के ऊपर पेंसिल फेरनी है। जैसे ये जीम बना हुआ है सेम ऐसे ही आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है, ठीक है। जीम से जाला, जीम से जग, जीम से जंगल, एंड देन आपने इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वीक का काम जो है वो कंप्लीट है। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और अपने काम को जो है कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।